हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको एशियानेट ब्रॉडबैंड के लेटेस्ट प्लान्स के बारे में बताऊंगा और साथ में टर्बोफाई वाईफाई राउटर का रिव्यू भी दूंगा। शुरू करते हैं वीडियो राउटर रिव्यू से। डुअल बैंड, दो एंटेना लगे हैं इसमें, तो ये फाइबर राउटर मिला है मुझे। तो एक ही राउटर मिलता है, अलग अलग भी होता है, जैसे कि हमें एयरटेल में होता है ना कभी नोकिया। जैसे ये थ्री टाइप का राउटर होता है, इसमें फोर पोर्ट है लैन केबल के, और जो दूसरा आता है रिचेलिंग साइरोटेक, उसमें टू टू पोर्ट रहते हैं लैन केबल। तो साइरोटेक का ये फाइबर में चलता है ना मेरे ख्याल से। इसमें टू पोर्ट है लैन केबल के। तो इसमें आप दो ही राउटर प्रोवाइड करते हो? हाँ, इसमें और हमारे में एक ये टर्बोफाई रिचेलिंग साइरोटेक फाइबर राउटर, इसमें फोर पोर्ट लैन केबल। इसमें ये चार पोर्ट्स होते हैं लैन के, और या तो आपको दूसरा होगा ये साइरोटेक का राउटर जिसमें दो पोर्ट होंगे लैन के। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि ये जो राउटर के सामने ये सब लिखा हुआ है, पावर, POM, LOS, इन सब का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट से शुरू कर लेते हैं पावर से। तो पावर का मतलब ये हुआ, जब आप इसे प्लग इन करेंगे राउटर को तो पावर बटन ऑन हो जाएगा, मतलब ये राउटर ऑन हो चुका है। नेक्स्ट है POM। POM का मतलब हो गया पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो POM यूज़ होता है फाइबर टू द होम FTTH एप्लीकेशंस में, जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट, वीडियो और वॉइस सर्विसेज डिलीवर की जाती है ओवर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। नेक्स्ट है LOS, इसका मतलब हुआ लॉस ऑफ सिग्नल। तो ये लाइट तब ब्लिंक करेगी रेड कलर में जब इंटरनेट कनेक्शन पीछे से या तार टूट गई होगी या कनेक्शन खराब होगा, तो इसका मतलब हुआ लॉस ऑफ सिग्नल, सिग्नल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लाइट ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है TEL, टेल, ये टेलीफोन के लिए है। तो लैंडलाइन कनेक्शन अगर आप इसमें लगाते हैं तो पीछे इसके ऑप्शन दिया हुआ है लैंडलाइन वायर ऐड करने के लिए, तो जब टेलीफोन कनेक्शन इसमें ऐड करेंगे आप, कनेक्ट करेंगे आप, तो लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद है USB 1, USB 2। तो इसमें दो USB पोर्ट्स हैं, तो इसमें आप अपना जैसे पेन ड्राइव, इसमें आप अपना यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव इसमें चला सकते हैं। पेन ड्राइव में जो भी सामान होगा आप अपने फ़ोन पे या फिर जिससे भी ये राउटर कनेक्ट होगा उससे उसमें आप देख सकते हैं पेन ड्राइव में जो भी चीज़ें पड़ी होंगी। उसके बाद है LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। तो LAN का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN पीछे चार पोर्ट्स हैं LAN के, इसमें आप डायरेक्ट लैन वायर कनेक्ट करके राउटर से डायरेक्ट अपने लैपटॉप में या फिर PC में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा आती है, बहुत ही अच्छी स्पीड आती है। उसके बाद है WLAN, इसका मतलब हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो WLAN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस को बिना फिजिकल केबल्स के नेटवर्क से वायरलेस तरीके से जोड़ने के लिए अलाउ करती है। राउटर के कॉन्टेक्स्ट में WLAN राउटर द्वारा बनाई गई वायरलेस नेटवर्क को रेफर करता है, जो ऐसे डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को बिना वायर्ड कनेक्शन के इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है। राउटर एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है जिससे डिवाइसेस डिटेक्ट कर सकते हैं, टिपिकली वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। लास्ट में है WPS, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ये एक आसान तरीका है वाईफाई नेटवर्क को सिक्योरली कन्फिगर करने का। अगर आपके पास WPS सपोर्टेड राउटर है तो आप इसे यूज़ करके अपने वाईफाई नेटवर्क को बड़ी ही आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ WPS बटन को प्रेस करना होता है, जिससे आप डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसके बैक में आप देख रहे हैं चार लैन पोर्ट्स हो गए हैं, दो USB पोर्ट हैं, पेन ड्राइव वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, और फ़ोन के लिए, लैंडलाइन फ़ोन के लिए यहाँ पे एक पोर्ट है, और पावर पोर्ट है यहाँ पे, और ये ऑन ऑफ का बटन है, और साथ में एक रीसेट का बटन भी है। अगर आपको वाईफाई राउटर रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें दो एंटेना मिल जाएंगे आपको इस राउटर में। जब ये राउटर ऑन होगा, प्लग इन करेंगे हम इसे, तो ये यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाएंगी जो इंटरनेट की होती हैं, रिक्वायर्ड लाइट्स। अब हम बात करते हैं एशियानेट ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में। तो ये है asianetbroadband.in वेबसाइट। तो इसमें हम सारे प्लान्स जितने भी हैं वो भी चेक कर लेंगे, और क्या क्या बेनिफिट्स ये दे रहे हैं वो भी देख लेंगे हम। इसमें फीचर्स जैसे लिखे हुए हैं, रिलायबल इंटरनेट स्पीड्स फॉर स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड ब्राउजिंग विदाउट हिकअप्स, रोबस्ट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर अनवेवरिंग कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूडिंग सिक्योर ब्राउजिंग फॉर अ सेफ डिजिटल एक्सपीरियंस, 24/7 कस्टमर सपोर्ट टीम अवेलेबल टू एड्रेस कंसर्न्स एंड क्वेरीज, फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल प्लान्स टू केटर टू वेरियस कस्टमर नीड्स, यूजर फ्रेंडली सेल्फ केयर पोर्टल फॉर मैनेजिंग अकाउंट्स, व्यूइंग डेटा यूसेज एंड पेइंग बिल्स विद ईज। तो इनके प्लान्स के लिए यहाँ पे हम ब्रॉडबैंड प्लान्स पे क्लिक कर लेंगे, अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान्स। तो पहला प्लान है टेक अ फ्री हिट एंड स्कोर 666 बाय चूजिंग उत्सव 1999 प्लान, और मंथली इफेक्टिव चार्ज है 666 रुपये 666। इसमें आपको डेटा मिल जाएगा 3000 GB डेटा पर मंथ, जो कि बहुत सही है। स्पीड रहेगी इसमें 200 Mbps की, तो ये भी बहुत सही चीज़ है कि स्पीड बहुत सही मिल रही है। फ्री फाइबर मॉडम,
तो फाइबर मॉडम आपको फ्री मिलेगा इसमें। तो ये आपको प्लान 3 महीने के लिए लेना पड़ेगा। 3 महीने के लिए इसका प्राइस हो जाएगा 1,999 रुपये। उसके बाद है बिग GBPS, द बिग लीग 1 GBPS स्पीड। तो इसमें आपको 1 GBPS की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड डेटा होगा और फ्री वाईफाई मॉडम मिल जाएगा। प्लान एक्टिवेशन चार्ज होंगे 500 रुपये। ये मंथली प्लान है, इसमें आपको 2,999 रुपये देने होंगे पर मंथ। उसके बाद है मोर सेविंग्स डेटा, 3,000 GB डेटा इसमें आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड डेटा, स्पीड अप टू 60 Mbps, 60 Mbps की स्पीड रहेगी। प्लान एक्टिवेशन चार्ज है 500 रुपये और ये मंथली प्लान है, इसका प्राइस है 499 रुपये पर मंथ। उसके बाद है मोर सेविंग्स डेटा, जिसमें आपको 4,000 GB डेटा मिल जाएगा, स्पीड रहेगी 100 Mbps की। प्लान एक्टिवेशन चार्जेस होंगे 500 रुपये, इसका प्राइस है 699 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट है 4,000 GB डेटा जिसमें मिलेगा आपको, स्पीड रहेगी 150 Mbps की और प्लान एक्टिवेशन चार्जेस होंगे 500 रुपये, इसका मंथली प्राइस होगा 749 रुपये। उसके बाद है 5,000 GB डेटा वाला प्लान, इसमें आपको 200 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। प्लान एक्टिवेशन चार्जेस होंगे 500 रुपये और प्राइस होगा पर मंथ 999 रुपये। नेक्स्ट है 6,000 GB डेटा वाला प्लान, इसमें आपको 300 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। प्लान एक्टिवेशन चार्जेस होंगे 500 रुपये और मंथली प्राइस है इसका 1,499 रुपये। उसके बाद है 3,000 GB डेटा वाला प्लान, तो इसमें आपको 3,000 GB डेटा पर मंथ मिल जाएगा। यह है 5 महीने के लिए प्लान, एक साथ आपको 5 महीने का प्लान इकट्ठा लेना होगा। स्पीड आपको इसमें मिल जाएगी 60 Mbps की। प्लान एक्टिवेशन चार्जेस होंगे 500 रुपये और इसका प्राइस है 5 महीने के लिए 2,499 रुपये। तो ये थे एशिया नेट ब्रॉडबैंड के कुछ बेहतरीन प्लान्स, जिसमें कुछ आपको वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट प्लान्स लेने हैं जैसे मिनी लीज्ड लाइन, आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे आके, काफ़ी सारे प्लान्स अवेलेबल हैं इसमें अगर आपको लीज पे चाहिए प्लान तो। ओके फ्रेंड्स, ये थी डिटेल्स एशियानेट ब्रॉडबैंड के लेटेस्ट प्लान्स के बारे में और साथ में टर्बोफायर वाईफाई राउटर का रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।